हाय दोस्तों, हरे गंगी नमामि गंगी, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। अभी आप माँ गंगा के लाइव दर्शन कर रहे हैं और हरिद्वार में जो सीजन है अभी वो ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन मौसम काफी तेज बारिश तो काफी तेज धूप देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं काफी तेज है माँ गंगा की जल की धारा और काफी तेज जलने वाली धूप भी है। और कल की बात कहूँ तो काफी तेज बारिश हुई थी और सुबह हमने वीडियो अपलोड किया, काफ़ी तेज धूप था, लेकिन शाम को काफ़ी अच्छी खासी जोरदार बारिश देखने को मिला। और ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है टेम्पो, जो कि भीमगोड़ा शांति कुंज और आपको लेके जाएगा ऋषिकेश के लिए, अगर आप ऋषिकेश जाना चाह रहे हैं तो। इतनी तेज धूप है कि लोग बिल्कुल कपड़े सर पे रखे हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप चप्पा जूता निकाल के जाएंगे तो जूता स्टैंड यहाँ पे हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड जा सकते हैं। हम जिस ओर से जा रहे हैं यहाँ से हम अगर जाते हैं तो आपको जूता चप्पल निकालने की जरूरत नहीं होगा। अभी हम चलेंगे बिल्कुल दूसरे किनारे पे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग छलांग लगा रहे हैं, गंगा जी पे डुबकी लगा के आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ से लगभग आपको सारे घाट दिखाई दे रहे होंगे और घाट लगभग खाली ही है। और 14 तारीख को आप आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी, खासतौर पर कोशिश करें रूम की बुकिंग अगर आप कर पाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर रूम काफ़ी सारे हैं और आपको आराम से मिल भी जाएंगे। क्योंकि अभी जो भीड़ होगा 14 तारीख को उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, जाम वाला दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, तो आराम से अभी यात्रा करें। बाढ़ का कोई दृश्य नहीं है, ऋषिकेश का भी हम वीडियो आपको अपलोड किए हैं, आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो में अभी हम आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में काफ़ी सारे दृश्य देखने को मिल रहे हैं डुबान वाला, तो ये दृश्य का आप ध्यान रखें। गंगा जी में जब डुबकी लगाते हैं खासतौर पर ऋषिकेश में, तो आपको काफ़ी सावधानीपूर्वक स्नान करना होगा, क्योंकि वहाँ पे बेरियर नहीं है, केवल जंजीर है। जंजीर के भरोसे आप स्नान करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। बाकी जानकी सेतु और रामचूला में काफ़ी अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, लगभग ऋषिकेश भी अभी खाली ही है। अभी हम आपको सबसे प्रमुख घाट हर की पैड़ी के पास मालवी घाट का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो दृश्य है वो काफ़ी बड़ा घाट होने की वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा, घाट लगभग खाली खाली सा। और अभी हम चलेंगे ब्रह्मकुंड के भी दृश्य आपको दिखाएंगे। मार्केट अपर रोड खास तौर पर भीड़ वहाँ पे देखने को मिलता है। अपर रोड में भीड़ इस कारण होता है क्योंकि वहाँ पर रहने खाने और आने जाने का प्रमुख मार्केट है, रास्ता है और भीड़ इसी कारण आपको देखने को मिलता है। हर की पैड़ी से जो दूरी है रेलवे स्टेशन का लगभग 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर के लिए ऑटो वाले 20 रुपये लेते हैं। अभी भीड़ नहीं है तो आपको आराम से ऑटो मिल जाएगा प्रमुख घाट ब्रह्मकुंड में, जहां पे आप प्रवेश करते हैं वहां तक। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिलता रहे हरिद्वार ऋषिकेश और भी जगहों की। अब हमने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं तो आपको सुंदर सुंदर जगहों का दर्शन दृश्य देखने को मिलता रहेगा। ये है हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड का दूसरा किनारा, देख रहे हैं यहाँ पे पूजा पाठ खासतौर पर अस्थि विसर्जन करते हुए काफ़ी सारे लोग आज आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ लोग तो देख रहे हैं तैराकी कर रहे हैं, एक किनारे से दूसरा किनारा जा रहे हैं। जल की धारा बिल्कुल नॉर्मल है और मिट्टी रेत की बात कहें तो जल में मिट्टी रेत काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम धनुष सेतु बस क्रॉस कर रहे हैं, धनुष सेतु के बाद हम जाएंगे शिव सेतु में। यहाँ पे 3 प्रमुख सेतु है, पहला तो आप देख रहे हैं धनुष सेतु, दूसरा शिव सेतु भी आपको दिखाएंगे और तीसरा सेतु भी दिखाएंगे, हाथी वाला पुल जिसे कहा जाता है। ये बड़े सेतु की बात करो, छोटे सेतु 2 यहाँ पे है, एक तो भागीरथ सेतु है, एक संजय पुल है। माँ मनसा देवी के मंदिर के सुंदर दर्शन कर रहे हैं, लेटेस्ट वीडियो आने वाला है आज कल में आ जाएगा, पैदल यात्रा हम करेंगे। काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि आप पैदल यात्रा का एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें। माँ गंगा की धारा आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी तेज है और यहाँ पे तेज होने का एक रीजन है, जगह सगरा है और यहाँ पे जल की धारा तेज इसी कारण होती है। अभी आप आ रहे हैं इस हफ्ते के अंदर तो आपको एक छाता जरूर लानी चाहिए, अगर आपके साथ बच्चे हैं बुजुर्ग है तो कम से कम छांव हो या बारिश हो, दोनों में ही वो छाता आपका सुरक्षा
करने वाला है। काफ़ी तेज आप देखेंगे, काफ़ी सारे लोग पसीने से लथपथ हैं। इतनी भारी भयंकर वाली गर्मी आज लग रहा है। कल भी गर्मी था और शाम को बारिश हो गया, तो यहाँ पे मौसम का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं। कभी भी बारिश हो जाता है हरिद्वार में, लेकिन ऊपर पहाड़ों में बारिश लगातार हो रहा है। और चारधाम यात्रा खुला हुआ है, मैं सेफ नहीं कहूँगा, अक्टूबर से महीने से सेफ हो जाता है। सितंबर में बारिश लगातार हो रहा है, आप देख रहे होंगे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जगह जगह रास्ते बंद हो रहे हैं और काफ़ी सारे श्रद्धालु फंस जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों में बारिश नहीं हुआ है तो सेफ है, लेकिन कभी भी बारिश हो सकता है। और इस बार भी बारिश हुआ है, वो कहीं ना कहीं भयभीत करने वाला दृश्य पैदा किया है। दो तीन ब्रिज जो कि प्रमुख थे मार्ग के, वो टूट चुके हैं। ये हम आ चुके हैं शिव सेतु में। पवित्र पावनी माँ गंगा की धारा आप देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी वेग काफ़ी तेज होती है। यहाँ पे छोटे छोटे से दुकान लगे हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ से कुछ ही दूरी में अभी आपको दो बड़े पार्किंग मिलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाले पार्किंग जो कि सबसे सेफ पार्किंग है, दूसरा है रेडी वाला पार्किंग जो कि अभी फ्री है, किसी पार्क को शुल्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी काम चल रहा था और काम लगभग पूरा हो चुका है। और जब से कांवड़ यात्रा बंद हुआ है तब से वो पार्किंग खुला ही है, तो अभी तक कोई पेड वहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता। वो वाली जो ब्रिज देख रहे हैं वहाँ हमें अभी जाना है, आपको लेके जाएंगे। और धूप से बचने के लिए सबसे बेस्ट घाट क्या है तो शिव घाट है, और अभी हम आपको शिव घाट भी दिखाएंगे, क्योंकि शिव घाट में अच्छे खासे वृक्ष लगे हुए हैं छावदार, और आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको पूजा पाठ के लिए मंदिर भी वहाँ पे मिल जाता है। ये वाली जो मार्ग है सीधा जाएंगे पंडित दीनदयाल के उपाध्याय वाली जो पार्किंग है वो काफ़ी नज़दीक आपको मिलने वाला है, यहाँ से आप सीधे जा सकते हैं। एक और पार्किंग है पंजी पार्किंग जो कि सीधे हरकी पैड़ी से ही मार्ग है, थोड़े सीढ़ी चढ़ना होता है, ऐसे वो पार्किंग में भी आप जा सकते हैं। ये हम आ चुके हैं शिव घाट पे, देख रहे हैं काफ़ी तेज गर्मी है, आप देख ही रहे होंगे हवा लेते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने कहा था आपको कि वृक्ष है, चेंजिंग रूम है, सामने मंदिर है, पूजा पाठ कर सकते हैं। खासतौर पर सावन के महीने में यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पे कुछ आश्रम में बाबा जी लोग रहते हैं। आगे जाएंगे ब्रिज मिलेगा, सबसे प्रमुख ब्रिज में से एक है हाथी वाला ब्रिज, देख रहे हैं। शिव सेतु से सुभाष घाट विष्णु घाट के एरिया में अच्छे वृक्ष मिल जाते हैं, वो यहाँ पे आप आके स्नान कर सकते हैं, किसी बारे कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि संपूर्ण जानकारी मिलने से यात्रा को काफी लाभ मिलता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।